बहुत बहुत ब्लेसिंग है आज सच में। गुरुजी ना पता नहीं कैसे कैसे संगत जी को बुलाते हैं और कैसे मैसेज करवा दिया, कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ भेज दिया मैसेज, अपने आप वायरल हो गया मैसेज। और मैं आंटी को कह रही थी, मैं क्या आज तो ऐसे लग रहा था BC7 में सब आते थे, सारे कमरे भर जाते थे, आज वही लग रहा था। पर देखो गुरु जी ना बड़े ही प्यारे हैं, सबको स्पेशल फील कराते हैं, जो आता है उसको भी कराते हैं, जिसके घर आते हो उसे भी कराते हैं। तो हमें ना कभी भी हम ये नहीं सोच सकते कि हमने कितनी संगत को बुलाया, हमने कितनी संगत को बुलाया है, कितने आएंगे, ये हमारे हाथ में नहीं होता। आंटी ने 60-70 लोगों का संगत का सोचा था, उसी समय प्रसाद मंगाया, सब कुछ गुरुजी कराते हैं। कभी भी भंडारे उनके खत्म नहीं होते, ना ही कम होते हैं, दीवारें भी खिसखिसाते हैं गुरुजी और अपने आप ही जगह बनाते हैं। अभी हम परसों गए थे कृष्णा नगर में, तो इतनी संगत थी कि स्टेयर्स में बैठे हुए थे, वहां भी हमें चादरें बिछानी पड़ी, ऊपर तक लोग बैठे थे। वो अपने आप गुरुजी बुलाते हैं, हमारे हाथ में नहीं है, हम कैसे आपके हाथ में भी नहीं है, आपको कॉल है। अब कई बारी इतनी संगत है जो मेरा मैसेज भी जाता है वहां पे नहीं पहुंच पाते हैं, पर वो यहाँ पहुंच गए हैं। तो ये आप किसी के लिए नहीं आते, यहाँ पे ये साबित होता है। ना तो आप इन आंटी को जानते हो, अगर आप आओगे तो किसी को जानोगे तभी आओगे, तो गुरु जी के लिए आए हो ना। तो गुरु जी की इतनी फ्रेग्रेंस थी पूरा टाइम, ऑल टाइम यहाँ पे गुरु जी की फ्रेग्रेंस आ रही थी। ये होता है कि क्या भाव है, किस भाव से गुरु को बुलाया है। जो गुरुजी होते हैं ना वो हमारा रास्ता क्लियर करते हैं, वो हमारा रास्ता हमें दिखाते हैं, चलना हमें उस पर उन्हीं के रास्तों पे है। बहुत सारे सत्संग है, सबने सुने हुए हैं, बहुत बार शेयर करती हूँ मैं आपको। कल का लेटेस्ट अपना सत्संग सुनाती हूँ, क्योंकि अब संगत भी ज़्यादा है और सबको जाना भी होता है, तो मैं थोड़ा सा शेयर करती हूँ कि वाकई ये शुरुआत हुई है सत्संग की, रास्ता कैसे क्लियर करते हैं। कल मैं कहीं परसों रात को हम बाहर जा रहे थे, मेरी बेटी और मैं आउट ऑफ दिल्ली जा रहे थे हम किसी काम से, तो जो ड्राइवर भैया गाड़ी चला रहे थे ना, तो उन्होंने बोला कि मैंने एक रास्ते से लेके जाता हूँ जो 80 किलोमीटर शॉर्टकट है। तो हमने कहा बहुत बढ़िया, हम 80 किलोमीटर गाड़ी हमारी कम चलेगी, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। आधी रात थी, रात बहुत मतलब अंधेरा था, 12:30-1 बजे का समय था। और जिस रास्ते पे वो लेके आया ना संगत जी, काजल आंटी जी, पूजा आंटी जी, वो ना मेरे को एकदम उबड़ खाबड़ जगह थी, बड़े सारे उसमें पत्थर आ रहे थे, वो गाड़ी धीरे धीरे चल रही। तो हमने कहा ये कैसा रास्ता, कह रहा है ये ना गांव है और यहाँ ना थोड़ी खराब है सड़क, पर ये ना हमें 1.5 घंटा जल्दी मचाएगा। अब हम हिली जा रहे, गाड़ी इतनी उबड़ खाबड़ और बड़ी स्लो, 0 पे जैसे चल रही, क्योंकि खराब ना हो जाए गाड़ी। और ना मैंने ना बाई चांस थोड़ी देर पहले मंत्र जाप अपना बंद कर दिया था। मैंने कहा गुरु जी ये क्या हो गया, रास्ता कैसा क्लियर होगा, ये तो ये कह रहा है 80 किलोमीटर छोटा है और ये तो हमें पहुंचाएगा और 2-2.5 घंटे में, और हम हिली जा रहे हैं। तो इतने में मेरे को आवाज आई, गुरुजी कहते तूने मंत्र जाप क्यों बंद कर दिया है। मैंने फटाफट अपने फोन में मंत्र जाप चलाया, मतलब उस बंदे को पता था। और हमने जिन लोगों से पूछा उन्होंने बोला ये पूरे गांव का रास्ता ही खराब है जहां से आप जा रहे हो, आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे मंत्र जाप चलाए हुए सिर्फ 2 ही मिनट हुए थे, सिर्फ 2 मिनट। पता नहीं कैसे वो सारे पत्थरों वाला रास्ता हट गया और एक स्ट्रेट सीधी हाईवे की सड़क आ गई उसी रोड पे। क्या हमारे गुरुजी हैं, मतलब हम सिर्फ उनसे मंत्र जाप के जरिए बात करते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया, 1-to-1 अपना कनेक्शन रखा करो, मीडिएटर मत ढूंढा करो। हम मीडिएटर ढूंढते हैं, तू हमारी अरदास लगा दे, तू हमारी ये कर दे, तू हमारे लिए कह दे, नहीं यहाँ कोई मीडिएटर नहीं है संगत जी। आपका 1-to-1 कनेक्शन है, आप अपने गुरुजी से बातें किया करो, वो आपके एक फैमिली मेंबर है, बड़े हैं घर के, जैसे अपने दिल की हर बात बड़ों से शेयर करते हैं ना, सलाह मशवरा करते हैं, ऐसे ही गुरुजी से ना सलाह मशवरा किया करो। आप थोड़ी देर अंदर ले जाओ बच्चे को। तो क्या होता है कि जब आप गुरुजी को इम्पोर्टेंस देते हो ना, जब उनसे बातचीत करते हो, उनको लगता है आप उनको वैल्यू दे रहे हो। वरना हम कई बड़ी सारी संगत ऐसी होती है जो कहती है हम गुरुजी को तो मानते हैं, पर अपनी मनमानी बहुत ज़्यादा करते हैं, मन मर्जियाँ करते रहते हैं। तो जब आप मन मर्जी करते हो तो गुरु आपके मन की मर्जी नहीं सुनते, वो अपने मन की करते हैं। हम जो मर्जी बोलते रहे उनको, ये कर दो वो कर दो, जब हम सारी की सारी बातें सारी डोर उनके ऊपर छोड़ देते हैं, उनसे सलाह करते हैं हमारा ये काम कर दो। आज ही अमृत वेला में बड़ा ही प्यारा एक चला सुबह, जो हमेशा चलाते हैं गुरुजी रिंकू वीर जी का, कि उन्होंने रिंकू वीर जी ने बड़ी प्यारी एक बात कही थी कि हम गुरु नानक को कहते हैं
कि हमें ये चीज दे दो, हम ये करेंगे, हम पाठ कराएंगे, हम सत्संग कराएंगे, हम मंदिर गुरुद्वारे में प्रसाद चढ़ाएंगे, हमें ये चीज दे दो, वो दे दो, ऐसे मत बोला करो। हालांकि वो जो कहते हैं हमारे गुरुजी की तरफ थोड़ा उल्टा हिसाब है, वो ये उन्होंने ये कहा कि आप अपने गुरु से बोलो कि आपको तो हमें देना ही पड़ेगा क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। पर गुरुजी के दरबार में ये कहते हैं मंगो नहीं मन्नो, गुरुजी भी यही कहते हैं मांगो, गुरुजी मुझे ये चीज दे दो, मुझे देनी तो आपको पड़ेगी, पर आप जब देना जब आप हमारे पे वक्त सही आएगा, ये नहीं हमें आज ही चाहिए, अब आज तो हम मांग लेते हैं, हमें ये भी दे दो वो भी दे दो, ऐशो आराम दे दो और बिजनेस दे दो, दुनिया में मान सम्मान दे दो, हमारा बड़ा नाम होगा। लेकिन क्या पता उस नाम के जरिए, क्या पता उस नाम के जरिए हमारी बदनामी होने वाली हो, क्या पता हम नाम मांग रहे हैं, हम तो अपने आप को महान बना रहे हैं कि हमारा सब लोग हमें जाने पहचाने, पर उनके गर्भ में क्या छुपा है वो तो वही जानते हैं, हम तो ना जानते हैं। तो इसलिए ना सिर्फ और सिर्फ अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाया करो। हमने फिर ये हुआ कि हमने रास्ता साफ मिला और मैंने ड्राइवर और अपनी बेटी को बोला कि देख मंत्र जाप चलाया था कितनी महिमा आया, और हमें एकदम बिल्कुल पत्थर हट गए वहां से, जो 80 किलोमीटर था हम सीधी रोड पे गए। उसके बाद हम वहाँ पहुँच गए 2:30 बजे, हमारा काम था हमने दिन में किया। अब जब कल हम शाम को वापस आ रहे थे, गुरुजी पल पल हमारी परीक्षा लेते हैं, मेरी तो बहुत खास कर लेते हैं, कि वो मेरे जीवन से मंत्र जाप को बंद ही नहीं होने देते, क्योंकि वो कहते तू 24 घंटे चलाती ही रहा कर, तेरे मैंने कर्म मंत्र जाप सुना के ही मैंने कटवाने हैं। कल फिर वही हुआ, अब अपनी दुनियादारी में उलझ गए, काम में उलझ गए, जिस काम के लिए गए थे, थोड़ी देर फिर मंत्र जाप बंद हो गया। जैसे ही उस गली, बहुत गांव था, एक गली थी बहुत बड़ी, हमारी गाड़ी थी, गली में से गाड़ी बैक करने लगा, गाड़ी एक गड्ढे के अंदर गिर गई, पीछे पीछे का टायर इतने बड़े नाली के नाले के अंदर। अब वो उसने देखा नहीं ड्राइवर ने, अब ना निकले, गाड़ी नहीं निकली, इतना मुश्किल हो गया कि वो गाड़ी का टायर चलता रहा, गोल गोल घूमता रहा, पर नहीं निकली। हमने सारा मुस्लिम एरिया था, हमने इकट्ठे किए, लोगों को बुलाया, पहले 2 आए फिर 4 आए, हमने मैंने उनको कहा आप गाड़ी को उठाना पड़ेगा क्योंकि ये गाड़ी नहीं निकलेगी। उन्होंने कहा इतनी भारी गाड़ी हम कैसे उठाएंगे। फिर वो 4 आते, फिर 2 आते, 2 वहां से भाग जाते, ऐसे करते करते मतलब हमारे 1.25 घंटा हम वहां पे लगे रहे। एक बुजुर्ग आए मुस्लिम थे, उन्होंने कहा मैं अपने कारखाने से ना बुला के लेके आता हूँ लोगों को, तो वो पता नहीं कैसे 20-30 लोगों को बुला लाए, और उनमें से एक ड्राइवर था जो कहने लगे ये गाड़ी तुम्हारी निकाल देगा। उसने बड़ी कोशिश करी, पता नहीं कहाँ कहाँ, मतलब यहाँ बात ये आती है, आज मैं क्यों शेयर कर रही हूँ, हम लोग ना ऐसी धारणा बना के संगत जी बैठ जाते हैं। सच में मेरे घर के समेत ही, मेरे हस्बैंड भी पहले ऐसे ही थे, कि हिंदू मुस्लिम अलग होते हैं। मैंने कल देखा कि उन्हें, उनको ये लगा कि ये 2 आंटियां और एक इनका ड्राइवर प्रॉब्लम में है, 50-60 मुस्लिम आ गए वहां पे और 10-12 लोगों ने गाड़ी उठाई, पर वो गाड़ी उठ के निकली नहीं। फिर उनमें से कोई आए, डंडे लेके आए, उन्होंने उस नाली के ऊपर डंडे लगाए और उस दिमाग लगाया उस ड्राइवर ने, उसने कहा मैं गाड़ी को बैक करता हूँ। हम सब कोशिश कर रहे थे, पता नहीं वो कहाँ से वो लड़का आया, किस रूप में आया, उसने गाड़ी का पहिया बैक करा और पहिया पीछे चला गया। और मैं हैरान हो रही थी, मेरी बेटी तो कोने में खड़ी होकर फोन पे बात कर रही थी, और मैं कह रही तमाशा ही बन गया तो हमारा, सब ने मुस्लिम की तरह टोपियां पहनी हुई थी और मैं बीच में खड़ी थी और मेरे चारों तरफ सारे मुस्लिम थे, और मैं जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी कर रही थी। मैं कह रही थी हाय कुछ गुरुजी क्रेन मंगानी पड़ेगी, ये तो निकलेगी नहीं गाड़ी, और झट से गाड़ी पीछे हो गई। उन सब का फिर मैंने बड़ा शुक्राना किया, मैंने कहा हमारे नाम की आज नमाज पढ़ना, शुक्राना अदा करना अपने अल्लाह को, तो सबके सब ऐसे चले गए एकदम जैसे गायब हो गए। तो मैंने बोला बेटी को इनको कुछ दे दे, कह रही कितनों को दोगे, ये तो इतने सारे हैं मम्मी, चलो यहाँ से। अब जो बुजुर्ग थे वो तो बहुत बड़े आदमी थे, कोई बड़े घर के थे, मैंने उनको तो दे नहीं सकती थी। हमने शुक्राना किया, उस गली का किया, उस गुरु अपने गुरु जी का किया, अल्लाह का किया कि हमें कैसे निकाला, और फिर मैंने उसी समय मंत्र जाप चला चुकी थी। तो यहाँ पे कहने का बस इतना ही मतलब है, आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आपका कोई काम नहीं बन रहा हो, आपके काम अटक रहे हो, आपके काम रुक रहे हो, आपकी परेशानियां घर में है, क्लेश है, बिजनेस नहीं है, नौकरी नहीं है, इतना छोटा सा गुरुजी का मंत्र जाप है, उसको चला दिया करो। और मैं ये बात आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ संगत जी, कभी आपका कोई काम हो, सपोज करो आपके हस्बैंड ने कल कोई सुबह कोई फॉर्म भरना है या कोई टेंडर भरना है, जैसे मेरा बेटा भरता है, या आपको कहीं पे कोई काम डील के लिए जाना है समझ लो,
अगर आपको सुबह जाना है, आप उस रात से ही मंत्र जाप चला के रखो, जब तक आप उस जगह पे ना पहुंच जाओ, जब तक आपकी डील ना हो जाए, जब तक आपकी मीटिंग पूरी ना हो जाए, तब तक आप मंत्र जाप चला के रखो। और मेरा ये मानना है, जब तक आपका रिजल्ट ना आ जाए तब तक चलाओ, चाहे उसमें 2 दिन लगे। ऐसे ही बच्चों के पेपर होते हैं, पेपर के समय बच्चे पेपर देने जाते हैं, उन्हें आदत डालो कि घर में से मंत्र जाप करके जाएं। जैसे ही तुम्हारी कलम रुकने लगे, मेरी बेटी यूएस में रहती है, मैं उसको ये कहती हूँ, उसका एग्जाम होता है, तेरा पेन जहां लगे तेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, तो फटाफट ओम नमो शिवाय का जाप शुरू कर दे, उसको याद आ जाएगा। आपके बच्चे, मैंने ऐसे बहुत सारे सत्संग डाले हैं, ये कुरुक्षेत्र का एक बच्चा था 10th का, उनको वो बच्चे के नंबर ही नहीं आते थे, 40% आते थे मैथ्स में, उसकी मम्मी को और उस बच्चे को बोला कि तू जाप करता रही और वहां भी करता रही, और उसकी मम्मी को बोला जब तक इसका पेपर नहीं क्लियर हो जाएगा आप मंत्र जाप मत बंद करना। और शाम को उसकी मम्मी का मुझे 3 बजे ही मैसेज आया, 2:30 बजे जब बच्चा घर आया, कि आंटी आज मेरा बेटा पहली बार 80% का पेपर करके आया। ये लीला है गुरु जी की मंत्र जाप की, इतनी शक्ति है जिसको हम सोचते भी नहीं है। जाप किया करो, जब तक आपका काम ना हो जाए जाप करते रहो, जब रिजल्ट आ जाए शुक्राना करो। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगी, बड़ी सारी संगत जो है ना वो ये कहते हैं कि हम सत्संग कराएंगे हमारा ये काम हो जाएगा, पहले भी मैंने शेयर किया है, गुरु जी हमारा ये काम कर दो, हम शुक्राने का ना हम सत्संग करेंगे, ठीक है। अब वो क्या होता है कि शर्त लगा ली हमने तो गुरु जी से अपनी कि हमारा ये काम कर दो, हम ये काम आपका शुक्राना करेंगे। मैं ये कहती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, पहले अरदास का सत्संग किया करो, एक चाहे छोटा सा करो, घर में बैठ के करो, कोई जरूर नहीं इतनी संगत को बुलाना है, औकात नहीं है मत बुलाओ, देखा देखी भेड़ चाल मत किया करो, बाद में करा लेना शुक्राने का सत्संग जब आपके पास हो। पहले एक अरदास का सत्संग सेम ऐसे जैसे आज हुआ, 2 घंटे की प्लेलिस्ट लगा के, प्रॉपर भोग लगा के, प्रॉपर तरीके से शुक्राना आरती सब कुछ करके एक अरदास का सत्संग करो, अरदास लगाओ, देखना कितनी जल्दी आपका काम होगा, कितनी जल्दी आपका शुक्राने का सत्संग होगा। जिस शुक्राने के लिए हम 2-2 साल 3-3 साल वेट करते हैं कि हाई ये हो जाए हमारा काम, अरदास लगाते ही बड़ी शक्ति है अरदास में, अरदास में इतनी ज्यादा शक्ति है कि अगर दिल से की हुई अरदास होती है सीधी डायरेक्ट गुरु जी तक पहुंचती है, अपने प्रभु तक पहुंचती है। लेकिन हाँ मैं फिर बोलूंगी, कोई मीडिएटर नहीं, प्लीज सब सुन लो, यहाँ पे कोई यहाँ पे गद्दी के आगे गुरु जी के आगे कोई VIP नहीं होता। मैं तो कहती हूँ मेरे सामने तो अगर मोदी जी भी आ जाएंगे मैं तो उनको भी बोलूंगी आओ जी जमीन पे बैठो और चुपचाप बैठना, अपना फोन बंद कर देना। और यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारे बीच में मोदी जी आए हैं, मैं उनको संगत समझ के बिठाऊंगी क्योंकि मैं तो हूं ही ऐसी, मैं हम तो ऐसे ही हैं भैया, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हमें कोई नहीं बदल सकता, ठीक है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और एक बार आंटी के घर इतना मुबारक समय है, चेतना आंटी अंकल की एक दिन बाद एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी भी है, तो इनको हम एडवांस में, देखो मैंने क्या कहा था कि अरदास करी और शुक्राना। अब कोई ये कहती कि मैं तो एनिवर्सरी वाले दिन ही सत्संग करूंगी, इन्होंने तो आज कर लिया मेहंदी वाले रात ही कर लिया, ही नहीं था सगन वाले दिन ही कर लिया, नहीं मेरे को तो करना ही नहीं था, मेरे को सिंपल सत्संग करना था। मुझे कितने लोगों ने पूछा कि क्या है, मैंने कहा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने हमारे